प्रकाशीय उपकरणों के अंतर्गत टेलीस्कोप या दूरदर्शी यंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। इस यंत्र की मदद से दूर की वस्तुओं को काफी निकट से हम देख सकते हैं। दूर बैठे पक्षी को अगर आप देखना चाहते हैं या आपका साथी कहीं दूर बैठा हुआ है तो उसे इस यंत्र की सहायता से काफी निकट से हम देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो चंद्रमा को भी आप काफी निकट से इस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। दूरदर्शी यंत्र के अंतर्गत हमें दो लेंस की आवश्यकता पड़ती है, एक लेंस ऐसा जो बाजार में उपलब्ध होता है। इस लेंस में की जो फोकस दूरी है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। यह लेंस हमें बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, किंतु अगर हम चाहें कि एक कम फोकस दूरी वाला लेंस हमें बाजार में उपलब्ध हो तो उसके दाम भी काफ़ी अधिक होते हैं और दूसरा आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यदि हम चाहें कि इस कम फोकस दूरी वाले लेंस को बना लिया जाए तो यहाँ टार्च के फ्यूज बल्ब में या लाइट डेकोरेशन के लिए जो सीरीज में जो बल्ब लगाए जाते हैं उन फ्यूज बल्बों के उपयोग से हम बल्ब लेंस बना सकते हैं और उसमें पानी भर के काफ़ी बड़ी वस्तु को देख सकते हैं। उसकी आवर्धक क्षमता 7-8 गुना या और अधिक हो सकती है। आइए उस बल्ब को बल्ब से लेंस बनाना सीखें। सबसे पहले हम एक फ्यूज बल्ब लेते हैं। इस फ्यूज बल्ब के फिलामेंट और धातु वाले हिस्से को अलग करने के लिए हम डिवाइडर या परकाल की नोक में उस बल्ब को दबा देते हैं जिससे धातु और कांच का हिस्सा अलग हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि बल्ब में एक पूंछ जैसा हिस्सा लगा हुआ है। इस पूंछ जैसे हिस्से को काट करके अलग करना है तो हम एक आरी का उपयोग करते हैं, एक कोई भी लोहा काटने की आरी या डिस्टिल वाटर के कटर की का उपयोग कर सकते हैं। और इस पूंछ वाले हिस्से को जब हम काट देते हैं तो फिलामेंट और एक मोती जैसा जो चीनी का होता है ये बाहर निकल जाता है। इसको सीधा रख करके इसमें साफ पानी भर करके और पानी भरने के बाद इसको मोम से हम सील कर देते हैं। जब मोम से सील कर देते हैं तो ये काफ़ी क्षमतावान बल्ब लेंस बन जाता है। जैसा कि मेरे हाथ में ये बल्ब लेंस रखा हुआ है, इसमें मैंने पानी भर के और मोमबत्ती से इसको सील कर दिया है। इस लेंस से अगर हम इस ग्राफ कागज़ को देखें तो ये ग्राफ कागज़ के जो खाने हैं काफ़ी बड़े दिखाई पड़ते हैं। इस कम फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग हम टेलीस्कोप बनाने में करेंगे। आइए टेलीस्कोप बनाते हैं। सबसे पहले टेलीस्कोप बनाने के लिए शटल काक का एक डिब्बा लेते हैं। इस डिब्बे को चाकू की मदद से इस तरह से खड़ा रख सकते हैं और इसको चाकू की मदद से हम बीच से दो भागों में काट देते हैं जैसा कि मैंने काट करके रखा है। अब ये दोनों का आकार समान है, हम चाहते हैं कि एक डिब्बा छोटा हो और इसके अंदर चला जाए, इसलिए इस डिब्बे को हम चाकू की मदद से मध्य से इस तरह से काट देते हैं और काटने के बाद इस डिब्बे को हल्का सा दबा करके इसका आकार छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद इस बड़े डिब्बे के अंदर इसको इस तरह से डाल देते हैं ताकि ये इसके अंदर आसानी से आगे पीछे खसक सके। अब इसका आकार निश्चित करना है तो हम एक इस तरह का टेप लेकर के इस टेप से इसको फिक्स कर सकते हैं ताकि ये अपना आकार न बदले। मैंने यहाँ पर इसको पहले से तैयार करके रखा है जो इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा डिब्बा है और ये एक छोटा डिब्बा है जिसको मैंने टेप से चिपका कर रखा है, इसको आसानी से आगे पीछे सरका सकते हैं। अब इसमें दो लेंस हमको लगाने हैं। इसमें एक लेंस तो वो है जो बाजार में मिल जाता है, इसकी फोकस दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग हो सकती है। इस लेंस को हम इससे अगर मान लीजिए इसमें फ्रेम लगा है तो फ्रेम को अलग निकाल लेते हैं और फ्रेम को निकालने के बाद में थर्मोकोल का एक गोल टुकड़ा हम इस बड़े डिब्बे के आकार का काटते हैं और काटने के पश्चात उसके मध्य में एक इस तरह से छेद कर लेते हैं चाकू की मदद से। आसानी से इसमें छेद किया जा सकता है और छेद करने के बाद में इसके ऊपर की तरफ एक यही लेंस उठा करके रख देते हैं और उसको फिक्स करने के लिए हमने टेप का उपयोग किया है। इस तरह से ये टेप एक टेप और लगा करके इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये हिले डुले नहीं। अब छोटे वाले जो भाग में भी एक हम टुकड़ा लगाना चाहेंगे, इसके लिए भी थर्मोकोल का एक टुकड़ा हमने गोल काटा है और इसके मध्य में भी एक छेद बना करके और इसमें बल्ब लेंस को फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए ये जैसा कि मैंने यहाँ पर बल्ब को फिक्स करके रखा है, ये फ्यूज बल्ब पानी भरा है और इस बल्ब वाले लेंस को हम छोटे डिब्बे की तरफ यूं इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह से मैंने उन लेंसों को यहाँ लगा करके रखा है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस सामने की तरफ
बड़े वाले भाग में लगा हुआ है, और इसके ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पर जो बल्ब लेंस मैंने फिक्स करके रखा है। अब इस तरह से ये हमारा एक दूरदर्शी यंत्र बन गया है। इन दोनों को हम अगर आगे पीछे इस तरह से हटाते हैं तो दूर की वस्तुओं को हम पास देख सकते हैं और फोकस करके देखें। यदि हम दूर की वस्तु देखना चाहते हैं तो दोनों जो लेंस हैं उनको हम दूर दूर हटाना चाहे पास करना चाहेंगे। इसके लिए हम धीरे धीरे इस तरह से डिब्बों को आगे खसका दें, और अगर हम पास की वस्तु को देखना चाहते हैं तो इन दोनों लेंसों की दूरी को हम बढ़ाते हैं। इस तरह से इस टेलीस्कोप यंत्र से हम दूर की वस्तुओं को बहुत निकट से देख सकते हैं, और इस यंत्र को बनाने के लिए मात्र आपको 3 या 5 रुपए का एक लेंस खरीदना पड़ेगा। शेष सामग्री आप जुगाड़ करके और बना सकते हैं। इस तरह से एक काफी कम लागत से और अधिक मूल्यवान दूरदर्शी यंत्र हम बना सकते हैं। धन्यवाद।